हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। वागर के लाल भूपेंद्र भट्ट को राजस्थान दिवस की शुभ संध्या पर राजस्थान विकास मंच महाराष्ट्र द्वारा राजस्थान विभूषण और राजस्थान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वागर सेवा जन जागृति संस्था मुंबई के अध्यक्ष नरेंद्र पाटीदार का भी सम्मान किया गया। इस भव्य समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, निरंजन डावखरे, राजस्थान विकास मंच के पदाधिकारी, भाजपा महाराष्ट्र के कई पदाधिकारी सहित वागर सेवा जन जागृति संस्थान मुंबई के संयोजक घनश्याम चौबीसा, संगठन मंत्री आर डी सर एवं वागर के कई मान्यवर उपस्थित रहे। श्री महिपाल सिंह जी, से निवेदन है। अमर सिंह जी ठाकुर का मंच पर हार्दिक स्वागत है। मंच पे उपस्थित मेरे महानुभाव, देखिए हमारा सौभाग्य कि हमारे भूपेंद्र जी भट्ट जिन्हें आज राजस्थान विभूषण सम्मान से हम सम्मानित करने जा रहे हैं। सामाजिक समरसता के संवाहक हैं और सामाजिक कार्यों में सुखद की सुगंध फैलाकर ये सर्वधर्म संभाव के पोषक के रूप में हर समाज को अपना अहम योगदान देते हैं। ऐसे भूपेंद्र जी भट्ट को आज समाज विभूषण की पदवी से अलंकृत किया गया। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में नरेंद्र जी पाटीदार साहब पधारे हैं वागड़ समाज से। मैं कन्नू भाई से निवेदन करता हूँ, कन्नू भाई से निवेदन करता हूँ कि उनका स्वागत करें। और श्रीमती इंदिरा वैष्णव को भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर पधारे रेखा जी का स्वागत करने के लिए। श्रीमती इंदिरा वैष्णव, मंजू सौरवी चौधरी जी, श्री नरेंद्र जी पाटीदार अध्यक्ष वागड़ संस्था थाने महाराष्ट्र, आपका सम्मान इस मंच से किया जा रहा है। आप भी समाज के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं और आज हमारे बीच में पधारे हैं। मंजू जी और मुन्नी जी रामावत, कृपया अगर मेरी आवाज आपके श्रवण यंत्रों तक पहुंच रही तो जल्दी मंच पर पधारें। हाँ आइए, रेखा जी शाह का स्वागत करें। रेखा जी शाह का नारी शक्ति पुरस्कार तैयार रखें। नारी शक्ति पुरस्कार बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी शाह नारी शक्ति पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पाटीदार साहब।